लेकिन स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गाइडिंग चैप्टर में 14 को। इंपॉर्टेंस के हवाले से देखा जाए तो एसईक्यू के हवाले से बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एसईक्यू आया भी तो चूंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है तो बिल्कुल बेसिक सी बातें होंगी, जैसे सर्कुलेशन के फंक्शंस क्या हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को दूर लेकर जाना, हार्मोन्स की ट्रांसपोर्ट, होमोस्टेसिस को मेंटेन करना, एक्सक्रीशन वगैरह, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट, ये सर्कुलेशन की फंक्शन है। ठीक है, तो बिल्कुल बड़ी बेसिक से आएंगे तो एसईक्यू के लिए ये बहुत अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी एमसीक्यू के पॉइंट देखते हैं। तो पहला पैराग्राफ हम कर चुके हैं, आगे आते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन को हम ग्रेटर सर्कुलेशन भी कहते हैं या पेरिफेरल सर्कुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, फिर पार्ट्स की बात की जाए तो आर्टरीज होती हैं, फिर आर्टेरियोल्स को हम कंट्रोल कॉन्ड्यूट्स भी कहते हैं क्योंकि ये टिश्यू किसी भी टिश्यू के अंदर ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रही होती हैं। फिर आर्टेरियोल्स के बाद आती हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल होता है इसलिए उनके अंदर कैपिलरी पोर्स भी होते हैं ताकि परमेबिलिटी बढ़ाता हो। फिर कैपिलरी के बाद वेन्स, वेन्स की बात की जाए तो वेन्स की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिन होती हैं। ठीक है, कैपिलरी के बाद वेन्यूल्स और फिर वेन्स बाहर। वॉल्यूम ऑफ ब्लड की बात की जाए तो 84% ऑफ द ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में होता है और बाकी जो बची है 13% वो आपके हार्ट और लंग्स वगैरह में होता है, जिनमें से 7% हार्ट में है और 9% पल्मोनरी वेसल्स में। ठीक है, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ब्लड है उसकी अगर फर्दर डिवीजन देखी जाए तो उसमें से 64% तो वेन्स में है। ठीक है, तो मेन रिजर्वॉयर ऑफ द ब्लड इज वेन्स, उसके अलावा 13% आर्टरीज में और 7% आपकी आर्टेरियोल्स वगैरह में होते हैं, कैपिलरीज वगैरह में होता है। क्रॉस सेक्शन एरियाज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया कोई डाउट नहीं है कैपिलरीज को होता है, और अगर आर्टरीज और वेन्स का क्रॉस सेक्शन एरिया को कंपेयर किया जाए तो वेन्स बराबर की वेन्स का वेन का आर्टरी से 4 times ज्यादा होता है। ठीक है, बराबर की वेन देखनी है, मसलन अगर आप एओर्टा देख रहे हैं तो यहां फिर आप वेना कैवा देखेंगे। ठीक है, तो 4 times ज्यादा होता है एरिया आपकी वेन्स का, ये बात समझ में आ गई। फिर ब्लड फ्लो की बात की जाए तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ही आसानी से ब्लड फ्लो वहां से गुजर सकेगा, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। अच्छा, ये ब्लड फ्लो की बात की जाए तो जहरी बात है जितना ब्लड एओर्टा से गुजर रहा है उतना ही ब्लड कैपिलरी सारी मिला के कैपिलरी से गुजरेगा, उतना ही ब्लड टोटल वेन से गुजरेगा। ठीक है, तो ब्लड फ्लो को हम कांस्टेंट कर देते हैं, बाकी एरिया और वेलोसिटी रहेगा। एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी और अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। ये तब अगर हम ब्लड फ्लो को कांस्टेंट कर दें, ब्लड फ्लो एक जितना ही होता है ना, जितना एओर्टा से गुजर रहा है उतना ही सारी कैपिलरी से गुजरेगा, उतना ही वेन से बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम ये वेलोसिटी और एरिया के कंसेप्ट को देख लीजिएगा, सम एरिया एओर्टा का होता है तो यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कैपिलरीज का होता है तो कैपिलरीज के अंदर सबसे कम वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो एरिया और वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बात हमें समझ में आ गई। फिर आगे डिस्कस करते हैं प्रेशर को। एओर्टा में प्रेशर देखा जाए तो बहुत ज्यादा पल्सेटिंग प्रेशर होता है, 120 से 80 के बीच में पल्सेटिंग हो रहा होता है। ठीक है, फिर कैपिलरीज के आर्टेरियल एंड पे 35 mmHg होता है, कैपिलरीज के वेनस एंड पे 10 mmHg होता है, सिस्टेमिक कैपिलरीज के जो एवरेज है वो हम कहते हैं 17 mmHg के अंदर एवरेज आ गए। ठीक है जी, फिर आते हैं पल्मोनरी की तरफ। पल्मोनरी के अंदर प्रेशर्स काफी हद तक कम होते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज की बात की जाए तो उसके अंदर 25 mmHg होता है। अच्छा, पल्सेशन जिसी तरह से है, पल्सेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है कैपिलरीज के पास, इसी तरह पल्मोनरी में देखा जाए तो पल्मोनरी आर्टरीज में पल्सेशन थोड़ी होगी और फिर करते करते बहुत कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी पल्सेशन। राइट वेंट्रिकल की या पल्मोनरी आर्टरीज के स्टार्ट की अगर पल्सेशन की बात की जाए तो 25 mmHg से 8 mmHg। ठीक है, फिर जो नॉर्मल पल्मोनरी आर्टरीज हैं उनमें एवरेज 16 mmHg होती है और पल्मोनरी कैपिलरीज की एवरेज 7 mmHg है, सिस्टेमिक कैपिलरीज की 17 थी, पल्मोनरी कैपिलरीज की 7 mmHg है। एमसीक्यू के बारे से बस ये बातें देख लें। आगे जाते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शन। ब्लड फ्लो ज्यादा टिश्यूज का कंट्रोल होता है, जिस टिश्यू को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहां ज्यादा ब्लड भेजा जाता है, जहां कम रिक्वायरमेंट होती है वहां कम ब्लड भेजा जाता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और कितनी यूज हो रही है इन चीजों के बेस पे आर्टेरियोल्स कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करके ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। फिर सारे टिश्यू को टोटल जितना ब्लड मिल रहा है उनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट आ जाएगी, सिंपल सी बात है। फिर एट्रियल आर्टेरियल प्रेशर रेगुलेशन, ये बहुत हमारे बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होता है, आर्टेरियल प्रेशर को रेगुलेट किया जा रहा होता है। मसलन अगर आर्टेरियल प्रेशर को बढ़ाना हो तो हार्ट की पंपिंग बढ़ा दी जाती है, वेन्स के अंदर से कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को निकाल दिया जाता है, आर्टेरियोज वेजो कंस्ट्रक्ट कर जाती है, ये मुख्तलिफ चीजें जिस तरह से हम आर्टेरियल प्रेशर को मेंटेन करते हैं। फिर आता है इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर फ्लो एंड रेजिस्टेंस। ओहम्स लॉ सीधे सीधे से देख लेते हैं हम, ब्लड फ्लो इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर, जिसको प्रेशर ग्रेडियंट भी कहते हैं, यानी कि कैपिलरीज के एक एंड और दूसरे एंड में जितना प्रेशर का डिफरेंस होता है उसको प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू प्रेशर ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय वैस्कुलर रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो फ्लो कम होगा और प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा तो फ्लो ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, इसमें क्या ऐसी मुश्किल चीज तो कोई थी नहीं। और आगे उन्होंने ओम्स लॉ की मुख्तलिफ उसकी डेरिवेशन मतलब मुख्तलिफ मैथमेटिकल फॉर्म्स लिखी हुई है, अल्जेब्रिक फॉर्म लिखी हुई है। फिर अगर ब्लड फ्लो को देख लेते हैं, गिवन पॉइंट से एक मिनट में जितना ब्लड पास कर रहा है उसको हम ब्लड फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो मिलीमीटर्स पर मिनट या लीटर्स पर मिनट इसके यूनिट है।
ब्लड फ्लो को मेजर करने के लिए मेथड्स क्या होते हैं हमारे पास, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर होता है, उससे उसको हम इस तरह से कैपिलरी स्केल देखकर मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, जितना ब्लड गुजरता है हमें पता चलता रहता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर ब्लड फ्लो को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। इसी तरह से अल्ट्रासोनिक डॉपलर फ्लो मीटर भी जो है ये ब्लड फ्लो को मेजर करने के लिए होता है, और इसमें हम एक क्रिस्टल यूज कर रहे होते हैं, वेवलेंथ की डिफरेंस हमें पता चल जाता है कि कितना ब्लड फ्लो है। ये चीजें ना एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इसमें किस चीज से पता चलता है, तो चेंज इन द वेवलेंथ से पता चल रहा है हमें, तो बस ये वो चीजें हैं। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। फिर आते हैं लैमिनर फ्लो की बात। एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है और एक टर्बुलेंट फ्लो होता है। जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है उसको हम लैमिनर फ्लो भी कह रहे हैं, जो जिसमें लेयर्स अपने प्रॉपर अरेंजमेंट से जारी होती है। लैमिनर फ्लो के अंदर एक पैराबोलिक वेलोसिटी होती है। पैराबोलिक का क्या मतलब है, जो लेयर बिल्कुल सेंटर में करके होती है वो सबसे आगे जारी होती है, और जितनी दीवार के करीब होती है उतनी स्लो जारी होती है ड्यू टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक तरह का पैराबोला फॉर्म हो रहा होता है आपके पास। बस पैराबोला की बात थी, फिर एडी करंट्स की बात। अच्छा, टर्बुलेंट फ्लो को अब डिस्कस कर रहे हैं। टर्बुलेंट फ्लो के अंदर जाहिर सी बात है मुख्तलिफ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या ब्लड फ्लो बहुत तेज कर दिया जाए या कोई रफ सरफेस हो या शार्प टर्न्स हो, तो ये चीजें होती हैं जो कि टर्बुलेंट फ्लो कॉज करती हैं, एडी करंट्स कॉज करती हैं। ये आप देख सकते हैं एडी करंट, कोई डायरेक्शन खराब हो जाती है, जिस तरह दरिया के अंदर अगर कोई पत्थर हो बीच में तो वहां पे पानी स्प्लैश हो रहा होता है, तो वो एडी करंट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आते हैं आपके पास पाउजली रेनॉल्ड्स नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर का मतलब है कि टेंडेंसी टू टर्बुलेंस कितनी ज्यादा है। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लड, डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल और पी फॉर डेंसिटी, इन सारी चीजों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये ज्यादा होंगी तो टर्बुलेंस के चांसेस ज्यादा होंगे, और विस्कोसिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो विस्कोसिटी, अब एमसीक्यू किस तरह से आता है पूछते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट मोर वेलोसिटी मींस मोर टर्बुलेंस, मोर डायमीटर मींस मोर टर्बुलेंस, मोर डेंसिटी मीन्स मोर टर्बुलेंस, मोर विस्कोसिटी मीन्स मोर टर्बुलेंस। अब ये मोर विस्कोसिटी मोर टर्बुलेंस नहीं होगा, तो ये इनवर्स रिलेशन है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला आता होगा तो इस तरह के एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, ठीक हो की बात। तो ये आपको पता होना चाहिए, हाई वेलोसिटी होगी तो ज्यादा चांसेस हैं आपके पास टर्बुलेंस के। इसी तरह से पल्सेटिंग नेचर ज्यादा है तो ज्यादा चांसेस है टर्बुलेंस के। लार्ज डायमीटर है, डायमीटर ज्यादा, तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए, ठीक हो गया। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ प्रेशर आते हैं। प्रेशर स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करें तो ज्यादातर हम मिलीमीटर मर्करी को ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी हम सेंटीमीटर वाटर को भी यूज कर लेते हैं। ये हमारे पास यूनिट्स हैं और यूनिट के कन्वर्जन आप देख लें, चाहे 1 मिलीमीटर मर्करी इज इक्वल टू 1.36 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक हो गया। फिर हाई फिडिलिटी मेथड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर, बस सीधी सी बात है कि ये जो मेथड है ना, हाई फिडिलिटी मेथड, ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज हो रहा होता है। मुख्तलिफ फॉर्म्स, वैसे यार ये देखो एसीक्यू तो याद नहीं सकता, बहुत कम चांसेस है कि इसका कोई एसीक्यू आए, और एमसीक्यू में बढ़िया वो पूछ लेगा कि क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, तो आप बता देंगे जी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को भी हम यूज कर सकते हैं, इंडक्टेंस को भी यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को भी यूज कर सकते हैं, और कोई चौथी चीज लिखी होगी आपको कि नहीं इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के आपके आंसर हो जाएंगे। तो एक बार देख लें हम इलेक्ट्रिक, फिर एक उन्होंने सीजीएस यूनिट्स की जिक्र किया, छोड़े हैं, और फिर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वैल्यू देख लें। 1 PRU नॉर्मल वैल्यू होती है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की। ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि वो सेंसिटिव भी आ सकती है, लेकिन अगर वो क्लिनिकल पूछेंगे जी इसका पेरिफेरल रेजिस्टेंस 4 PRU है, तो आपको पता चलेगा कि जो आर्टिकल्स है वो कंस्ट्रिक्ट की हुई है, मतलब कंस्ट्रिक्शन नहीं हुई है या डायलेशन हुई है, आपको पता चल जाना चाहिए कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। तो इसलिए नॉर्मल वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो 1 PRU होती है। कंडक्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस की जो अपोजिट है वो कंडक्टेंस है, या आपको कहते हैं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। तो ये भी एक एमसीक्यू होता है कि इनका क्या रिलेशन क्या है। अच्छा जी, कंडक्टेंस और डायमीटर के रिलेशन को देखिएगा, डायमीटर की पावर 4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, यानी डायमीटर अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा तो कंडक्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए आर्टेरियोज का थोड़ा बहुत डायमीटर इंक्रीज होने से टिश्यू के अंदर जो ब्लड का फ्लो है या जो कंडक्टेंस है वो हम बहुत ज्यादा वेरी कर पाते हैं, ठीक होगी बात। तो पॉजिटिव लॉ है, उसके अंदर ये इक्वेशन है, और इक्वेशन में भी मेन चीज यही है कि ये जो फ्लो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4 power of 4 ऑफ रेडियस, ठीक है। तो इसलिए हमें पता ही चला कि अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो तो रेडियस के थोड़े से बढ़ जाने से फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी को उन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस के पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो फोर्थ पावर है, फोर्थ पावर लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वजह से हम लोग ब्लड फ्लो को बहुत अच्छे से रेगुलेट कर पाते हैं। रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो इन सीरीज एंड पैरेलल, सिंपल सी बात है, अगर पैरेलल में कोई और ब्लड वेसल ऐड कर दी जाएगी तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ठीक है, और अगर सीरीज में कोई और ऐड कर दी जाएगी तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। ये उनके फॉर्मूला है, ये पैरेलल का फॉर्मूला है और ये उसका सीरीज का फॉर्मूला होता है। इसी मतलब अगर आप रिमूवल ऑफ किडनी कर देते हैं तो किडनी बाकी सारे ऑर्गन से पैरेलल में है, तो जारी बात है पैरेलल में कम हो रही है, पैरेलल में एक ब्लड वेसल कम हो गई तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गई, ठीक है। मैंने बताया था ना पैरेलल में आप ब्लड वेसल ऐड करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, पैरेलल में ब्लड वेसल कम की है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। सिंपल चीजें हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। इफेक्ट ऑफ ब्लड हेमाटोक्रेट ऑन ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड की विस्कोसिटी हेमाटोक्रेट इंक्रीज करने से इंक्रीज कर जाती है,
अच्छा ये भी पता है एमसीक्यू में पूछते हैं वो, आरबीसीज में इजाफा हो गया तो टर्बुलेंस में इजाफा होगा या नहीं होगा। तो हमने पीछे पढ़ लिया था कि यार अगर विस्कोसिटी बढ़ रही है तो टर्बुलेंस कम हो रही है, ठीक है, हाँ विस्कोसिटी बढ़ी तो टर्बुलेंस कम हो रही है। तो यहाँ पे अगर आरबीसी बढ़ेंगे तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ रही है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ी है तो टर्बुलेंस कम होगी। तो ये भी इस तरह से थोड़ा इनडायरेक्ट यहाँ पे एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं, एमसीक्यूज खास यहाँ पे नहीं बनते। अच्छा जी, ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी, प्लाज्मा की विस्कोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी आरबीसीज के बढ़ने से, ये पता होना चाहिए आपको। और प्लाज्मा की विस्कोसिटी होती कितनी है, 1.5 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड टिश्यू ब्लड फ्लो, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आपके पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, टिश्यू ब्लड फ्लो कम होता है, और ये यही मैकेनिज्म यूज कर रहे होते हैं मुख्तलिफ टिश्यू के अंदर ब्लड फ्लो को कम ज्यादा करने के लिए, इसको हम ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। ग्राफ एक्सप्लेनेशन जो कि नॉन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है। प्रेशर फ्लो रिलेशनशिप इन पैसिव वैस्कुलर बेड्स, इसमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन वगैरह का उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम किस तरह से वेजो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन करवा के प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और उसके अलावा एक हद तक तो हम प्रेशर को कम करते हैं, लेकिन एक हद से ज्यादा अगर प्रेशर को हम कम कर दें तो प्रेशर इतना कम हो जाता है कि ब्लड वेसल की वॉल्स आपस में टच करना शुरू हो जाती है, इस प्रेशर को हम कहते हैं क्रिटिकल क्लोजिंग प्रेशर, ठीक है। तो बस यही चीजें थी, सिंपल सी इन चीजों की रिविजन थी, एमसीक्यूज के हवाले से पॉइंट आपको पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप इस चैनल को पैट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।